हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। जैसे हम अपनी हेल्थ की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने स्किन की भी देखभाल करनी होती है। और स्किन की देखभाल के लिए मैं कई सारी रेमेडीज शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर स्किन की देखभाल नहीं की जाए, स्पेशली अगर चेहरे की देखभाल नहीं की जाए, तो कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्ने हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, झाइयाँ हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनसे अगर बचना है तो देखभाल करनी जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ कि सिर्फ स्किन की देखभाल का मतलब ये नहीं है कि अपने चेहरे की देखभाल करें और सिर्फ हाथों की देखभाल करें। स्किन की देखभाल करने का मतलब है कि आपको अपनी फुल बॉडी की स्किन की देखभाल करनी है। और वो कैसे होगी? जब टाइम टाइम पर आप उसको एक्सफोलिएट करते रहेंगे, सही से उसको मॉइस्ट रखेंगे, उसकी इलास्टिसिटी बना के रखेंगे, तब आपकी स्किन जो है, पूरी बॉडी की स्किन है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। और इसके लिए बॉडी स्क्रब बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी स्किन साल में एक बार रिमूव होती है, एक बार ऐसे सांप की कैचुली की तरह रिमूव नहीं होती, लेकिन रिमूव होती है। आप देखिए, कभी आप जब ऐसे जोर से हाथ मस लेंगे तो आपको लगेगा कुछ मैल जैसा उतर रहा है। वो मैल नहीं होता है, वो स्किन के जो डेड सेल है वो उतर रहे होते हैं। तो उनको उतारने के लिए स्क्रब करना बहुत जरूरी है। अगर स्क्रब करेंगे तो डेड सेल रिमूव होंगे और उसके बाद नीचे से जो हेल्दी नए सेल बनेंगे वो हेल्दी सेल बनेंगे और जल्दी बनेंगे। तो इसके लिए स्क्रब करना बहुत जरूरी है। जब स्क्रब करते हैं तो स्किन को अच्छे से सांस आती है, जो डेड सेल हैं, जो ऊपर जम गए हैं, स्किन को रफ कर देते हैं, वो हट जाते हैं और स्किन को अच्छे से सांस आती है। स्किन कैन ब्रीद नाइसली। एक्सफोलिएट करने से स्किन स्मूथ भी होती है। आप अपना जब फेशियल करते हैं तो आप देखते हैं ना, चेहरा कितना खूबसूरत हो जाता है। तो इसी तरीके से जब पूरी बॉडी को एक्सफोलिएट करेंगे, पूरी बॉडी को स्क्रब करेंगे, तो स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अगर स्क्रब नहीं करते हैं तो डेड सेल पोर्स को कवर कर लेते हैं, क्लॉक कर देते हैं और इन ग्रो हेयर होना शुरू हो जाते हैं, जो स्किन की का जो टेक्स्चर है उसको और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। स्क्रब से स्किन की पॉलिशिंग हो जाती है और इम्प्योरिटी सारी दूर हो जाती है। तो बॉडी स्क्रब जो है एक बहुत ही बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है। स्क्रब कई तरीके से कर सकते हैं। सॉल्ट स्क्रब भी हो सकता है, शुगर का स्क्रब भी हो सकता है। शुगर भी बहुत अच्छा एक स्क्रब एजेंट है, जो स्किन के मॉइस्चर को तो लॉक करके रखता है और उसको स्क्रब बड़े अच्छे से करता है। कॉफी का स्क्रब भी होता है, लेकिन आज जो मैं स्क्रब आपके साथ, बॉडी स्क्रब जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वो हमारी दादी नानी और उनकी भी दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साइंस नहीं था तब भी ये इफेक्टिव है, साइंस ने मान लिया है और साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, तब भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और वो बहुत ही कॉमन चीजों से मिलके बना है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बॉल जिसमें हम सब चीज मिलाएंगे। रॉ मिल्क चाहिए, ठंडा दूध है ये। 2 टेबलस्पून हमको बेसन चाहिए, ये आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी। थोड़ा सा केसर लेंगे, केसर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा हम लेंगे कैस्टर ऑयल। अब इन चीज़ों को मिलाना है हमने। पहले बेसन और मुल्तानी मिट्टी को डाल के, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसके अंदर उसकी एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छी सी पेस्ट, फाइन पेस्ट बनानी है, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। बेसन एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी एजेंट है, ये टैन रिमूवल इससे बहुत अच्छे से होती है। सन टैन वगैरह जो हो जाता है ना, अगर स्किन का कलर डबल टोन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा एजेंट है। स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, स्किन में एक ग्लो आता है। ये स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, क्योंकि अगर एक्सेस ऑयल होगा तो वो भी नुकसान करता है, उससे घमोरियाँ निकल सकती हैं, एक्ने पिंपल हो सकते हैं, तो उसको भी रिमूव करता है। ये तो छोटे बच्चों के लिए भी, जब उनके बेबी हेयर निकालना हो ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर इससे मसाज की जाए तो बेबी हेयर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो जो चीज़ बेबीज़ के लिए इतनी अच्छी है, वो बड़ों के लिए तो अच्छी होगी होगी। बच्चों से लेकर बड़े तक ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे क्लींजिंग होती है, एक्सफोलिएशन होता है, टैनिंग रिमूवल होता है और ग्लो आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ब्यूटी एसेंशियल है। इसमें हमने डाला करीब 4-5 बूंद ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की और कुछ स्ट्रेंड्स हमने डाल दिए हैं केसर के। मुल्तानी मिट्टी भी एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो डीप क्लींजिंग करती है, पोर्स के अंदर तक जाके उनको खोलती है, अनक्लॉग करती है और स्किन को स्मूथ बनाती है।
डीप क्लींजिंग करने के कारण स्किन के अंदर अपने आप ही ब्राइटनेस आती है। इसके साथ हमने रॉ मिल्क यूज़ किया है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन के लिए अच्छा है, उसको मॉइस्ट रखने के लिए अच्छा है। और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और डाला है, 1/4 teaspoon टर्मरिक। टर्मरिक एंटीसेप्टिक होती है, एंटी एलर्जिक होती है, तो स्किन में किसी भी तरह की कोई एलर्जी, कोई अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। केसर जो है वो स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से होने वाले नुकसान से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा पेस्ट जो है बनके तैयार हो गया, और बनाने के बाद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि केसर इसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, और उसके बाद इसको लगाना है। जब बॉडी को स्क्रब करते हैं तो कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। स्क्रब जब अप्लाई करते हैं, जैसे फेस पर अप्लाई करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में उसको घुमाते घुमाते उतारते हैं। इसी तरीके से हाथ पर भी अगर स्क्रब अप्लाई किया है तो उसको सर्कुलर मोशन में, और अगर यहाँ किया है तो उसको अप एंड डाउन करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके आप स्क्रब कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से वो बहुत अच्छे से स्क्रब होगा। स्क्रब करने के बाद उसको थॉरली रिंस करना जरूरी है। जो भी चीज़ आपने स्क्रब के लिए लगाई थी वो बहुत अच्छे से उतर जानी चाहिए, तो खूब खुले पानी से रिंस करना बहुत जरूरी है। स्क्रब भी हो गया, रिंस भी हो गया, उसके बाद जब आप अपने स्किन को पोंछते हैं तो कॉटन के टॉवल से पैट ड्राई करना चाहिए। ऐसे रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए, पैट ड्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको एक्सफोलिएट करते हैं तो नीचे से सॉफ्ट स्किन निकलती है। उस सॉफ्ट स्किन को अगर बहुत जोर से आप घिसेंगे तो वहां पर नुकसान होने के चांसेस है, पेन होने के चांस, रेडनेस होने के चांसेस है, तो उसको पैट ड्राई करना है। स्क्रब करने के बाद जरूरी है कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन सॉफ्ट रहे, स्किन जो है वो क्रैक नहीं हो, फटे नहीं। और जब भी स्क्रब करते हैं तो डू इट वेरी जेंटली, ये आपकी अपनी स्किन है। इसको ये नहीं है कि आप बहुत जोर जोर से रगड़ा मारेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी स्किन गोरी हो जाएगी या कुछ होगा। जेंटली उसको करना है ताकि स्किन को कोई नुकसान भी ना हो और स्किन जो है वो स्क्रब भी हो जाए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो स्क्रब करते टाइम ध्यान रखने वाली हैं। स्क्रब कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया है। ये एक बहुत ऐसा स्क्रब है कि आप इससे इंस्टेंट ग्लो पाएंगे, आपकी स्किन जो है, स्किन की टोन और टेक्सचर जो है इंस्टेंटली ग्लो होगा। आप बाथरूम से बाहर निकल के देखेंगे आपकी स्किन में कितना फर्क आया है। और क्योंकि ये घर का बना है और बिल्कुल नेचुरल चीजों से बना है तो नुकसान होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो केमिकल स्क्रब, केमिकल प्रोडक्ट्स को बाय बाय करके आप नेचुरल चीजों को यूज करें। ये स्क्रब आप एक बार लगा के देखिए, आप कहेंगे कि वाकई नानी ने कितनी अच्छी चीज बताई थी। बहुत फायदेमंद है, बहुत स्किन के लिए हेल्दी है, स्किन को प्योर करेगी, उसको नरिश करेगी, स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी। तो और क्या चाहिए, स्किन आपको ब्यूटीफुल चाहिए ना, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल बनाएगी। आप अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।